नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये खूबसूरत सा बेबी स्वेटर बनाएंगे। ये स्वेटर 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए है। पीछे से देखिए ये ऐसा है और सामने से ऐसा। इसमें मैंने रेगलॉन कटिंग की है, नीचे से बुनना शुरू किया है और दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग बनाया है, आस्तीन बनाया है, फिर पांचों पार्टों को आपस में जोड़कर और रेगलॉन कटिंग की है और देखिए गोल गला बनाया है। तो ये मैंने कैसे बनाया है चलिए हम देखते हैं। बेबी स्वेटर के बैक पार्ट को मैंने तैयार कर लिया है। इसे बनाने के लिए मैंने ऊन को ट्रिपल फोल्ड किया है, 10 नंबर की सिलाई ली है और 54 डिजाइनर फंदे डाले हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए 5 का मल्टीपल फंदे चाहिए, 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 14 फंदे डाल लिए हैं। और स्वेटर में मैंने 8 लाइन का बॉर्डर बनाया है, उल्टा उल्टा बुनते हुए। फ्रंट से भी सभी फंदे उल्टे बुनेंगे और बैक से भी सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हमने 8 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। अब 9वें लाइन में यानी बॉर्डर के बाद हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर बनाया है, इसलिए 9th रो में हम सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। यदि अपने प्रोजेक्ट में हमें फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बैक में आ जाते हैं। ये हमारा रॉन्ग साइड है, अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और इस लाइन में अब डिज़ाइन का बेस तैयार होगा। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1, 2 और 3। उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा। तो अब लास्ट में 3 फंदे बचेंगे। पहले फंदे एजस्टिज था जिसे हमने स्लिप कर लिया था, फिर 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा। लास्ट में 3 फंदा बचेगा तो उन अपनी ओर उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। तो ये डिजाइन का बेस तैयार हो गया। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है, यानी 11वें लाइन से हमारा डिजाइन शुरू होगा। 9वें लाइन में हमने सभी फंदा उल्टा बुना और रॉन्ग साइड से यानी 10वें लाइन पे हमने डिजाइन का बेस तैयार कर लिया। अब 11वें लाइन से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो ये 11वां लाइन और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे, पहले फंदे को देखिए 3 फंदे हैं जो हमने पीछे से उल्टा बुने थे, वो अब सामने से हमें सीधा दिखाई दे रहा है। तो इन 3 फंदों में से पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब ऊन हम इधर ही रखे रहेंगे और फिर दूसरे फंदे को हम छोड़ देंगे और तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। तीसरे फंदे को सीधा बुन लिया, अभी हमें इन फंदों को गिराना नहीं है, अब दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए पहले हमने पहले फंदे को सीधा बुना, फिर तीसरे फंदे को और लास्ट में दूसरे फंदे को, 1, 3, 2। पहले को बुना, फिर तीसरे को बुना, फिर दूसरे को बुना। अब इन दोनों फंदों को गिरा देंगे। अब उन्हें अपनी ओर करेंगे, देखिए 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब दूसरी ओर, उन दूसरी ओर पहला फंदा, देखिए 3 सीधे फंदे हैं तो पहले हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे,
उन इधर ही रखे रहेंगे। अब फिर दूसरे फंदे को हम छोड़ देंगे, पहले तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। तो तीसरे फंदे को हमने सीधा बुन लिया और अब दूसरे फंदे को, ये फंदा हमारा बचा रह गया है तो अब इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो पहले हमने पहले फंदे को सीधा बुना, फिर तीसरे फंदे को सीधा बुना, फिर दूसरे फंदे को। अब उन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए लास्ट में दो फंदा उल्टा है, इन्हें उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे सीधा। अब हम रॉन्ग साइड आ गए और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और स्वेटर का 12वां लाइन। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए ये दो फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर। अब देखिए ये तीन फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो पहले हम पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब ऊन को दूसरी तरफ, ऊन को अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और देखिए इधर से पीछे की तरफ से हम पहले तीसरे वाले फंदे को, दूसरे वाला फंदा हम अभी छोड़ देंगे, पहले तीसरे वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। अब दूसरा फंदा जो बचा हुआ है अब उसे भी उल्टा बुन लेंगे और दोनों फंदों को गिरा देंगे उन दूसरी ओर। अब दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीधा बुन लीजिए उन अपनी ओर। अब देखिए तीन फंदे दिखाई दे रहे हैं, तीन फंदे ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, अब दूसरे वाले फंदे को पहले छोड़ देंगे, पहले हम तीसरे फंदे को बुनेंगे। पहला फंदा हमने बुना, दूसरे को छोड़ के पहले हम तीसरे फंदे को बुनेंगे। इसे भी हमें उल्टा बुनना है। तो अब कि सामने से उल्टा हम बुनते हैं तो ऐसे बुनते हैं सामने की तरफ से, लेकिन इस फंदे को हम सामने की तरफ से ना बुन के सिलाई पीछे की तरफ से ले आएंगे। देखिए इस ऊन सिलाई के पीछे से ऐसे सिलाई लाएंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुन लिया। अब दूसरा फंदा जो बच गया है उसे भी हम उल्टा बुन लेंगे और अब इन दोनों फंदों को एक साथ गिरा देंगे उन दूसरी ओर। देखिए दो फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे उन अपनी ओर। लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया है। फिर से देख लीजिए, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदे उल्टे हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए ये तीन फंदे हैं जिस पर डिजाइन बना हुआ है। तो पहले हम पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब दो फंदे हैं तो पहले दूसरे फंदे को हम छोड़ देंगे, पहले हम तीसरे फंदे को बुनेंगे। दूसरे वाले फंदे को अभी हम छोड़ देंगे, पहले तीसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे सामने की तरफ से सिलाई ले आएंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। हमने बुन लिया। अब दूसरा फंदा जो बचा हुआ है अब इसे भी सीधा बुन लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ गिरा देंगे। अब उन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा है इसे उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए तीन फंदे हैं तो पहले हम पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब दूसरे फंदे को अभी हम छोड़ देंगे, पहले हम तीसरे फंदे को सामने की तरफ से ऐसे सिलाई ले जाएंगे और सीधा बुन लेंगे। तीसरे फंदे को बुन लिया। अब हम दूसरा फंदा जो बचा हुआ है इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब दोनों फंदों को ऐसे गिरा देंगे उन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर। लास्ट फंदा एज स्टिच है जिसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड से इसे हम कैसे बुनेंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे। अब दो फंदे ये सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसे हम सीधा बुन लेंगे उन अपनी ओर। अब देखिए ये तीन फंदा है जिसमें डिजाइन पड़ा हुआ है। तो पहले हम पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए दूसरे फंदे को हम फिलहाल छोड़ देंगे, पहले हम तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे
उल्टा बुनने के लिए हम ऐसे सामने की तरफ से नहीं बुनेंगे, बल्कि सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ से ले आएंगे और उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा बुना, फिर तीसरा बुना, और अब हम दूसरे फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे। तो तीनों फंदों को हमने बुन लिया, अब इसे हम गिरा देंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, देखिए दो फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर अब देखिए तीन फंदों में डिज़ाइन पड़ा है, तो पहले हम पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को छोड़ के पहले तीसरे फंदे को ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई ले जाएंगे और उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे। लास्ट में तीन फंदा बचा है तो उन दूसरी ओर पहले दो फंदों को सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो दो ही लाइन का डिज़ाइन है और इन्हीं दोनों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। दो ही लाइन को हमें दोहराते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट को हमने 6 इंच बुन लिया है, बॉर्डर से लेकर यहाँ तक हमने 6 इंच बुन लिया है। तो अब हम इसमें रेगलान कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक और दो, और तीसरे उन दूसरी ओर करेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा पैटर्न है उसे बनाएंगे, यानी ये तीन फंदों का जो डिज़ाइन है इसे हम बना लेंगे। पहले फंदे को उल्टा सीधा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को, फिर दूसरे फंदे, फिर उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर तीन फंदे का डिज़ाइन है तो पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को, उन दूसरी ओर दो फंदा उल्टा। तो हम इसी तरह बुनते हुए, यानी डिज़ाइन को कंप्लीट करते हुए लास्ट के तीन फंदों के पास पहुंचेंगे। तो मैं डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने डिज़ाइन के मुताबिक सभी फंदों को बुन लिया। अब लास्ट में तीन फंदे बचे हैं तो तीसरे फंदे को हम स्लिप कर देंगे, ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और ऊन अपनी ओर करेंगे, और लास्ट के दो फंदे हैं जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो इन तीन फंदों को, लास्ट के तीन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर अपने डिज़ाइन को हम बुनेंगे। तो ये तीन फंदों का डिज़ाइन है, इन तीनों फंदों को हमें उल्टा बुनना है, लेकिन पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे। दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर तीन फंदों का डिज़ाइन है तो पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को उल्टा, फिर दूसरे फंदे को उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, फिर तीन फंदे का डिज़ाइन, तो पहला फंदे को उल्टा, फिर तीसरे फंदे को उल्टा, फिर दूसरे फंदे को उल्टा। तो अपने डिज़ाइन को हम बुनते हुए लास्ट के तीन फंदों तक पहुँचेंगे। तो मैं शेष फंदे बुन के आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के तीन फंदे बचे हैं तो उन हमारी तरफ ही है, इन तीनों को हम उल्टा बुनेंगे। तो 6 इंच के बाद हमने ये दो लाइन बुन लिया, 4 लाइन हमें और बुनना है। तो लास्ट के दो फंदे हम पहले दो फंदे उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर हम अपने डिज़ाइन को, देखिए तीन फंदों का डिज़ाइन है इसे हम बनाएंगे, फिर बीच के डिज़ाइन को बनाते हुए हम लास्ट के तीन फंदों तक पहुंचेंगे। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में तीन फंदे बचे हैं। तीसरे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड से हम तीनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, शेष दो फंदों को उल्टा। बाकी फंदों को हम अपने डिजाइन के मुताबिक बनाएंगे और लास्ट के तीन फंदों तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा 6 इंच बनाने के बाद ये हमारा चौथा लाइन है। अब देखिए लास्ट के तीन फंदे बचे हैं, तो तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो 6 इंच के बाद ये चौथा लाइन कंप्लीट हो रहा है और इसी तरह हम दो लाइन और बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा छठा लाइन है और लास्ट के तीन फंदे बचे हैं, तो उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। और हम अभी इसे यहीं पे रोक लेंगे। तो अब हम इसको यहीं रोक देते हैं। अब हम दोनों आस्तीन को और दोनों फ्रंट पार्ट को, पांचों पल्लों को एक साथ लेके और तब इसकी बुनाई रेगलान कटिंग करते हुए करेंगे। तो अब इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, शेष अगले पार्ट में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।